सावधान हो जाओ टीम इंडिया। टेस्ट सीरीज से पहले बांग्लादेशी कप्तान ने दे दी है खुली धमकी। टीम इंडिया को रोंदने को तैयार बैठे हैं बांग्लादेश के ये तीन बड़े हथियार। इन तीनों ने ही पाकिस्तान को जीत कर दिया था। उसी बात का घमंड में है बांग्लादेशी कप्तान। भारत को उसके घर में घुसकर हराने का जज्बा लेकर आ रहे हैं बांग्लादेशी टीम। टीम इंडिया कर लो प्लान तैयार, क्योंकि इस बार हराना आसान नहीं होगा इनको। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर की जानकारी इस वीडियो में। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। टीम इंडिया इस समय पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी एक जो हार पाकिस्तान ने झेली है उससे सीखकर दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ एक अच्छी तैयारी कर सकती है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश वो टीम है जिसको हल्के में लिया था पाकिस्तानी टीम, और हश्र क्या हुआ वो आपके सामने है। पाकिस्तानी टीम जिस बुरी तरीके से दोस्तों यहां पर बांग्लादेश से हारा है इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जिस तरीके से दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूरे विश्व में शर्मसार हुई है, वैसा भारत के साथ ना हो इसके लिए टीम इंडिया एक खतरनाक प्लान को बनाने की तैयारी में जुटनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश के पास तीन हथियार है, और वो तीन हथियार ही काफ़ी है किसी भी खतरनाक टीम को हराने के लिए। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश को अब तक हम ये सोचकर इग्नोर करते आ रहे थे कि बांग्लादेशी टीम एक कमजोर टीम है और उसे कभी भी हराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों भारत टीम के लिए सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया को अभी भी WTC के फाइनल में जाने से पहले 10 मैचेस खेलने हैं, और उन 10 मैचेस में दोस्तों 5 मैचेस तो ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ है जो कि दोस्तों उनके घर में होने हैं। तो वहां पर दोस्तों जीत पाना बहुत ही मुश्किल रहने वाला है भारत टीम के लिए। तो ऐसे में दोस्तों जो 5 मैचेस भारत में होने हैं उनमें ही भारत को अपना एक अस्त्र शास्त्र ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों उन्हीं में से 2 टेस्ट मुकाबले बांग्लादेश से होंगे, और अगर ये मैचेस भारत टीम हारती है तो निश्चित है कि उसका WTC फाइनल का टिकट कट भी जाएगा। अब दोस्तों इतना आसानी से भारत टीम बांग्लादेश को हरा भी नहीं पाएगी, क्योंकि टीम इंडिया को 3-3 खतरे झेलने पड़ेंगे। नंबर 1 पर जो नाम आता है दोस्तों हसन महमूद का। हसन महमूद ये काफी खतरनाक गेंदबाज है दोस्तों। जिस तरीके से पाकिस्तान को इन्होंने परेशान करके रखा था, इनकी पेस बॉलिंग के आगे दोस्तों काफी ज्यादा परेशानी हुई थी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, क्योंकि ये यहाँ पर काफी अच्छी स्विंग भी कराते हैं, और इनकी स्विंग की यहाँ पर दोस्तों दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से वे स्विंग कराते हैं उससे टीम इंडिया के बल्लेबाजों को भी परेशानी हो सकती है। वहीं अगला जो नाम निकल कर आ रहा है उस नाम से तो आप जरूर वाकिफ होंगे, और वो नाम है दोस्तों मेहंदी हसन मिराज। इस समय दोस्तों दुनिया के सबसे बेहतरीन टेस्ट गेंदबाज में से अच्छे हैं, अच्छे स्पिन कराते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों मेहंदी हसन अब बल्लेबाजी भी करने लगे हैं। यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज हुई थी टेस्ट सीरीज, उसमें दोस्तों इन्होंने 80 के औसत से बल्लेबाजी की थी, जहाँ पर इन्होंने दोस्तों टॉप 4 हाईएस्ट रन गेटर में इनका नाम था, जो दिखाता है कि दोस्तों मेहंदी हसन की स्पिन के अलावा उनकी बल्लेबाजी से भी हम लोगों को बचना होगा। उसके अलावा दोस्तों अगला नाम है दोस्तों नहीद राणा का। ये खिलाड़ी दोस्तों 6 फुटिया खिलाड़ी दोस्तों 145 प्लस की स्पीड से गेंद डालता है, और जब गेंद इसके हाथ से छूटती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से होकर नीचे आ रही है। ऐसे में दोस्तों ये खिलाड़ी भी परेशानी का सबब बन सकता है भारत टीम के लिए। अब आपका इस पर क्या राय है कमेंट करके अपनी राय नीचे जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।